आज हम क्लास 10 के मैथ्स का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। इससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है वो हम लोगों ने पढ़े थे और कॉमन डिफरेंस इसका निकाले थे, फिक्स्ड टर्म्स क्या होते वो भी आपको बताए दिए थे। आज हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे क्या होते थे, लिस्ट ऑफ नंबर होते थे, लिस्ट ऑफ नंबर, लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस वन। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 7 है, एग्जाम्पल मेरे पास कोई फर्स्ट टर्म्स है 5, फिक्स्ड टर्म्स है मेरे पास 2। इसको क्या करते थे हम, इस पे ऐड करते थे 5 एज इट इज, 5 प्लस 2 7, 9 कि ना 11, 13, 15 सो ऑन, इस तरह हम करते जाते थे। इससे हम क्या कहते थे, A1 A2 डिनोट करते थे, A3 A4 A5 A6 अप टू AN। अब इसका कॉमन डिफरेंस निकालते टाइम हम क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस के लिए हम A2 माइनस A1 बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते थे, A1 ठीक इक्वल टू A3 माइनस A2, इसी तरीके से A4 माइनस A3 ठीक, सो ऑन AN माइनस AN माइनस 1 ऐसे करते थे। ठीक, यह हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, हम इसे D से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हमारा कॉमन डिफरेंस, आप जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म ऑफ AP, इसको हम कैसे डिनोट करते थे, जनरल फॉर्म ऑफ AP, इसे हम ऐसे डिनोट करते ए कॉमा क्या किए हुए, यहाँ पे देख लीजिए ए ये हुआ ए प्लस इनका कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2 है, इसको हम ए ए प्लस डी ऐसे। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 1 टाइम्स डी, इसके बाद 2 टाइम्स ऑफ डी, 2 टाइम्स ऑफ डी ए प्लस 2D, A प्लस यहाँ पे देख लीजिए 1 कहाँ पे, यहाँ पे 1 टाइम्स D, इसके बाद 2 टाइम्स, इसके बाद 3 टाइम्स ऑफ D, इसके बाद प्लस 4 टाइम्स ऑफ D, इसके बाद प्लस 5 टाइम्स ऑफ D, ऐसे निकालते थे। ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हमारा हो गया जनरल फॉर्म। ठीक, यह हो गया हमारा जनरल फॉर्म। अब इसके बाद हम एक दो एग्जांपल करते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चले जाते हैं। ठीक, एग्जांपल फोर एन AP कितने दिए गए, 3/2, 1/2, उसके बाद माइनस 1/2, उसके बाद है माइनस 3/2। इसमें हमें क्या करना है,
ये आपके बुक पे भी मिलेगा ये, राइट दी कॉमन, राइट दी फर्स्ट टर्म एंड फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। ठीक, हमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन टाइम्स कॉमन डिफरेंस इसका निकालना है। ठीक, अब यहां पे देख लीजिए, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए इक्वल टू 3/2 है। हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोगों ने अभी अभी एक चीज अभी अभी बताए थे, क्या करना होता था, बड़े में से ये हमारा ए वन मान लीजिए, ये ए टू, ये ए थ्री, ये ए फोर मान लीजिए। ए टू माइनस हम क्या करते थे, ए वन, ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, ऐसे करते जाते थे। ठीक, अब हमारे पास डी इक्वल टू 1/2 है, माइनस 3/2 है। ठीक, अब इनका हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस टू एलसीएम ले तो सेम ही है, कॉमन ले लिया, 1 - 3 -2 आएगा, -2, 2 कैंसिल हुआ, कितना हुआ आंसर, -1। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए -1/2 है और हमारे पास क्या आएंगे, -1/2, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस साइन किसका रहेगा, माइनस का, 2 कैंसिल हुआ, कितना आया, -1। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। आप सारों को चेक करने की जरूरत नहीं है, आप इसका कॉमन डिफरेंस सारों का क्या आएंगे, सेम आएंगे, ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री इक्वल टू कितना आया, -1 आया, कितना आए थे, -1 आए। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया एक एग्जांपल। और दूसरा और एग्जांपल हम आपके लिए एक एग्जांपल और करवा देते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन ए पी, इफ द फॉर्म एन ए पी राइट नेक्स्ट टू टर्म्स। अब इसमें कह रहा है ये दिए गए हैं 4 कितने दिए गए, 10, 16, 22 ये हमारे पास दिए गए गिवन। ये कह रहे हैं कि भाई ये एपी है कि ये एपी फॉर्म्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, अगर एपी फॉर्म्स कर रहा है तो हमें उसका नेक्स्ट टू टर्म्स निकालना है। क्वेश्चन को एक बार और सुन लीजिए, अब ये कह रहा है कि भाई ये एपी फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर एपी फॉर्म्स कर रहा है तो हमें नेक्स्ट टू टर्म्स इसका निकालना है। एपी फॉर्म करते है कि नहीं करते है? देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनका डिफरेंस देखना पड़ेगा। अब ये आप मान लीजिए ए वन इक्वल टू 4, ए टू इक्वल टू 10, ए थ्री इक्वल टू 16, ए फोर इक्वल टू 22। ठीक, 22। अब इसमें देख लीजिए, हमें पहले तो इनका कॉमन डिफरेंस अगर फिक्स्ड है तो ये एपी फॉर्म करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। इसका कॉमन डिफरेंस देख लीजिए, ए टू माइनस ए वन कर दीजिए, 10 - 4 हो गया तो 6। ठीक, अब नेक्स्ट भी चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, हमें प्रैक्टिकली देख रहे 16 - 10 करने से कितना आएगा, 6 ही आएगा, आएगा। ठीक, इसका मतलब हमारा ए टू माइनस ए वन इक्वल टू ए थ्री माइनस ए टू इक्वल टू ए फोर माइनस ए थ्री कितना है, 6। सारों को क्या आ रहा है, 6, क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये कॉमन, ये एपी फॉर्म कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इट फॉर्म्स एन एपी, एपी। ठीक, अब जब एपी फॉर्म्स कर रहे हैं तो हमें नेक्स्ट कितना टू टर्म्स निकालने थे ना, इसके लास्ट टर्म्स क्या है, 22, 22 पे 6 ऐड कर दो, आपको फर्स्ट टर्म्स आएंगे, ये कितना है, A4। A5 के लिए देख लीजिए, A5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A4 प्लस
एफ फोर प्लस डी कर दीजिए आप, एफ फोर 22 प्लस 6 करने से कितना आएगा 28, ए सिक्स के लिए हमें कितना आएगा 28 प्लस 6 कर दीजिए 34। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करने होंगे। ठीक, आज के लिए इतना, अगले कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे आपका एक्सरसाइज। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।